नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं अंशु और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। खबर नरसेना से है, जहां थाना क्षेत्र के लोगों से एक कंपनी में रुपये निवेश कराकर दुगने कराने का झांसा देकर 50 लाख की ठगी में फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी कराई है। आरोपी को 1 अगस्त तक न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। जी हां, थाना क्षेत्र में एक वर्ष पहले निफ्टिक एडवाइजरी सर्विस कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया था। प्रदीप पुत्र अमर सिंह अलीनगर व प्रीतम सिंह पुत्र कृपा राम निवासी जलालपुर ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन तीनों आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे और ना ही तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस तमाम प्रयास कर चुकी है। न्यायालय ACJM प्रथम बुलंदशहर के आदेश पर तीनों आरोपियों के घर पर 82 CRPC की उद्घोषणा का नोटिस चस्पा कर गांव में मुनादी कराई गई। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच निरीक्षक महेश राठौर ने बताया, नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ निवासी अशोक पुत्र चंद्रपाल धर्मपाल व अशोक कुमार पुत्र रघुवीर चौहान निवासी चांदनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ आरोपियों को 1 अगस्त 2021 तक ACJM प्रथम बुलंदशहर न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। संवाददाता अमित राणा। थाना नरसेना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच ने एक नोटिस चस्पा किया है एक आरोपी के घर पे, जिस पर आरोप लगे थे निफ्टेक ग्लोबल कंपनी के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी करने के। तो ACJM फर्स्ट के कोर्ट के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी के घर पे नोटिस चस्पा किया तथा मुनादी करके 1 अगस्त से पहले कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस प्रकार के फर्जी मामले इसके अलावा बुलंदशहर के अलावा हापुड़ जनपद में भी तीनों आरोपियों के खिलाफ पंजीकृत किए गए हैं। जनपद बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के भड़काऊ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी अशोक चौहान। पहले भी पुलिस इसके यहां दबिश दे चुकी है, लेकिन आरोपी लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने दबिश दी, लेकिन इसके बावजूद भी हाजिर नहीं हुआ है आरोपी। अब थक के पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें ACJM फर्स्ट का साफ आदेश है कि 1 अगस्त से पहले आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना है। कैमरामैन जोगेंद्र के साथ अमित राणा, ज्ञान न्यूज़ बुलंदशहर।